हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फिर फ्रेंड्स, फाइनली हाफ एन आवर पहले बिहार दरोगा का जो सेकंड शिफ्ट है वो भी ख़त्म हो चुका। तो जो फर्स्ट शिफ्ट और जो सेकंड शिफ्ट, जैसा कि मैं पिछले 15-20 मिनट में जो पता कर पाया उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पेपर का जो टफनेस था वो फर्स्ट शिफ्ट के कंपेयर में थोड़ा सा मॉडरेट था। ऐसा नहीं है कि पेपर एकदम इजी आ गया था, ये भी मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं। तो उसके बिहाफ पे दोनों पेपर का एनालिसिस किया जाए तो उसके बिहाफ पे बिना टाइम लिए अगर पेपर का एनालिसिस किया जाए तो पेपर दोनों मिला के मॉडरेट रहा है। तो उस आधार पे जो पेपर का एनालिसिस है, आपका जो कट ऑफ है मेल और फीमेल का, वो आपके स्क्रीन पे है, जो आज 26/12/2021 को पेपर हुआ है। तो जनरल मेल की बात कर ले तो 62 से 64 क्वेश्चन जिसका भी आ रहा है इस रेंज में है वो मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे इजीली। फीमेल 56 to 59, ओबीसी की बात करें मेल तो 60 to 62 और फीमेल 52 to 54, ईबीसी 57 to 59 पे सेफ होंगे और फीमेल 49 to 51 पे, एससी वाले 53 से 55 पे सेफ स्कोर में रहेंगे और फीमेल 46 to 48, एसटी की बात करें तो 56 to 58 और फीमेल 51 to 53। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट है, अगर इस रेंज में आपका मार्क्स आ रहा है तो आप एकदम 100% मेंस पे लग जाए, जो कि आपका 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम, कोशिश कीजिए, लगे रहिए और पूरे तन मन धन से आप मेंस पे डेडिकेटेड होकर, इस मार्क्स अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो आप लग जाइए और आपके पास पूरे 4 से 5 महीने, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई से पहले नहीं होना है, आपके पास 5 महीना आराम से समय मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो सब पसंद आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, ताकि सबको वो अपना जो भी क्वेश्चन जिनका जितना सही हो कमेंट सेक्शन में बताइए। और इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो श्योर शॉट आपका होना तय है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू मेंस प्रिपरेशन एंड 67 बीपीएससी अपकमिंग एंड सीडीपीओ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वंस अगेन।